हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। मार्च का समय आ चुका है। इस समय बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में स्ट्रेस बढ़ जाता है और साथ ही साथ पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, इस स्ट्रेस में आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे बच्चे आपके और आप पेरेंट्स भी स्ट्रेस से इजीली कॉप कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। सिर्फ मार्च के महीने में ही नहीं, वैसे भी अपनी रेगुलर लाइफ में इसको फॉलो कीजिए, अपने बच्चों में ये टिप्स फॉलो कीजिए ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और उनका दिमाग और उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे। तो पहली टिप है कि हमेशा अपने दिन की शुरुआत फ्रूट्स खा के शुरू करें। उससे बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्लास में भी और एग्ज़ाम में भी। आप फ्रूट कोई भी खा सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। सभी फ्रूट खाने के अलग अलग फ़ायदे हैं, तो आप मिक्सअप भी कर सकते हैं कि मंडे को कोई और फ्रूट खाएँ, ट्यूज़डे को कोई और फ्रूट खाएँ, या फ्रूट चाट बना के आप वो भी खा सकते हैं। दूसरी टिप, हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका बच्चा ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट सबसे ज़रूरी मील है दिन की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा रेगुलरली टाइम पर ब्रेकफास्ट लेता है और हैवी ब्रेकफास्ट लेता है। और ये भी ध्यान ज़रूर रखें कि ब्रेकफास्ट में घर में ही बनाई चीज़ों को ज़्यादा सर्व करें, ना कि बाहर की कोई चीज़। जैसे कि आप पोहा बना सकते हैं, आप दलिया बना सकते हैं, या आप पराठा बना सकते हो, या फिर अगर आप ये बनाने का आपके पास समय कम है तो आप अपने बच्चों को बॉयल्ड एग के साथ मिल्क भी दे सकते हो या कर्ड भी दे सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट रहता है। अगली टिप ये है कि बच्चों को स्कूल जाते वक्त कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर दें। लंच के अलावा उनको ऐसी चीज़ें देते रहें जिस जो बच्चे क्लास में भी खा सकते हैं। जैसे आप स्प्राउट्स दे सकते हैं उनको, फ्रूट्स दे सकते हैं, पीनट्स दे सकते हैं, या कुछ चिक्की या लड्डू दे सकते हैं कि दिन में भी उनको अगर थोड़ी सी भूख लगती है तो रेगुलरली लेते रहें और उनको एनर्जी मिलती रहे। अगली टिप ये है कि आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एग्ज़ाम्स के टाइम बच्चों को बाहर का जो ये प्रोसेस्ड फूड होता है वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों खाने से आपकी मेमोरी पे इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें, स्पेशली एग्ज़ाम्स के टाइम। उसके अलावा अगर आपका बच्चा देर रात तक पढ़ता है तो उसको आप रात को भी कुछ खाने को दे सकते हैं। जैसे कि आप उसको एक दो चपाती दे सकते हैं, आप मिल्क दे सकते हो। और अगर आप थोड़ा चटपटा खाने का मन है, कुछ अलग खाने का मन है आपके बच्चे का, तो आप उसको ग्रिल्ड सैंडविच भी बना के दे सकते हो। उसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि एग्ज़ाम्स के टाइम और वैसे भी आपका बच्चा ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो उनको रेगुलरली कुछ ना कुछ बनाते रहिए, सब्जी बनाते रहिए, या उनको वैसे भी खाने के लिए देते रहिए, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स के टाइम आप बच्चों के साथ थोड़ा घूमने ज़रूर जाएं, या बच्चों को शाम को खेलने के लिए समय ज़रूर दें, क्योंकि पूरे दिन पढ़ के बच्चों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, बच्चों के दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स के टाइम वो शाम को आधा घंटा निकाल कर शायद थोड़ी सी वॉक पर जाएं या थोड़े से खेल कर आ जाएं अपने दोस्तों के साथ। उससे उनका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और वो फिर से पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो एग्ज़ाम्स के टाइम, जैसे कि बच्चों को बादाम वगैरह भी आप रेगुलरली देते रहें। बादाम हो गया, अखरोट हो गया, कोकोनट हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये चीज़ें भी रेगुलरली देते रहें, जिससे उनका ब्रेन स्ट्रांग बनेगा और उनका माइंड शार्प रहेगा। उसके अलावा ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा आपका टीवी कम देखे, गैजेट्स पे कम ध्यान दे एग्ज़ाम्स के टाइम, क्योंकि उसके आपके माइंड पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो जो आप चीज़ें याद करते हो वो आप धीरे धीरे भूलते जाते हो, आपकी मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्पेशली एग्ज़ाम्स के टाइम टीवी और मोबाइल फ़ोन इस तरह के गैजेट्स से थोड़ा सा बच्चों को दूर रखें। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स के टाइम बच्चों की डाइट पे, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज ए पेरेंट आपको यही ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम्स के टाइम बच्चों के दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े और उसको हेल्दी खाना मिलता रहे, जिससे वो अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर पाए।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहिए। हम जल्दी एक नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।